अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू रेसिपी फ्रॉम द हाशिमाइट किचन। आज की जो रेसिपी है इसका नाम है चिकन बूटी फ्राई। काफ़ी इजी और कम इंग्रेडिएंट्स में बनने वाली रेसिपी है जो कि काफ़ी टेस्टी बनती है। सो लेट्स हैव अ ट्राई। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने हड्डी वाला 250 ग्राम चिकन लिया है। आप चाहें तो इस रेसिपी को बोनलेस चिकन में भी बना सकते हैं। अब मैं जो इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रही हूँ, 2 बड़ा चम्मच दही, 1 बड़ा चम्मच शेजवान चटनी, 1 बड़ा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून छोटा चम्मच कसूरी मेथी, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 बड़ा चम्मच एवरेस्ट चिकन मसाला, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 3 छोटा चम्मच अलारोट पाउडर, कॉर्नफ्लावर, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 अंडा। कलर आने के लिए आप इसमें तंदूरी का कलर मिला सकते हैं, ऑप्शनल है। अगर आप वो मिलाना चाहें तो मिला दें, या फिर काश्मीरी लाल मिर्च मिला सकते हैं, उससे भी कलर काफ़ी अच्छा आता है। मैं इसमें नमक नहीं मिला रही हूँ क्योंकि जो अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने मिलाई थी उसमें नमक ऑलरेडी एडेड है, तो इस वजह से मैंने नमक नहीं मिलाया है। इसको काफ़ी अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लीजिए। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच मैंने मैदा मिलाया है, ऑप्शनल है, आप मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास सिरका है तो आप 1 छोटा चम्मच सिरका मिला लीजिए। मैं यहाँ पर लेमन है तो लेमन यूज़ कर रही हूँ, नींबू का जूस, तो 1 चम्मच मैंने लेमन जूस यूज़ किया है। अब इसको अच्छे से चलाने के बाद इस बैटर को मैंने 1 घंटे के लिए कवर करके फ्रिज में रखा था। आप 3 से 4 घंटा रखेंगे तो इसकी मैरिनेशन अच्छे से हो जाती है चिकन में और इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। एक से दो घंटे की मैरिनेशन के बाद मैंने चिकन फ्रिज से निकाला है और एक कढ़ाई में तेल डाल रही हूँ जिसमें मुझे चिकन तलना है। 1 से 2 घंटे के बाद जब फ्रिज में से भी मटेरियल मैं निकाल रही हूँ तो ये काफ़ी अच्छी से मैरिनेट हो चुका है। इस स्टेज पे आप एक बार नमक भी चेक कर लीजिएगा, नमक अगर कम है तो मिला लीजिएगा। फ्लेम जो है मीडियम रखिएगा और इस रेसिपी को, चिकन को, तेल में 5 मिनट तक पकाना है। 5 मिनट के बाद आप इसको, जैसे ये पक जाए तो आप 10-15 मिनट इसको बाहर निकाल के रख दीजिए और ठंडा होने दीजिए। आप इस वक्त अभी खाना चाहते हैं खा भी सकते हैं, ये पक चुका होगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये पकानी है तो आप दोबारा से इसको तेल में डाल सकते हैं। मेरा चिकन पक चुका था लेकिन मुझे थोड़ा और क्रिस्पी चाहिए था, इसकी वजह से मैं चिकन को बाहर निकालकर 10 से 15 मिनट ठंडा होने दी। तेल का फ्लेम बंद कर दीजिए और 15 मिनट के बाद तेल का फ्लेम फिर से चालू करिए और तेल को बहुत ज़्यादा गर्म होने दीजिए। जैसे ही धुआं निकलने लगे, जो ठंडा चिकन हम रखे हैं उसको दोबारा से तेल में डालिए और 1 मिनट और पकाइए ताकि ऊपर की जो स्किन है वो थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए और ये चिकन और अच्छी तरीके से पक जाए। तो मुझे क्रिस्पी चिकन चाहिए था, इस वजह से ये मेथड मैं यूज़ कर रही हूँ। आप ऐसा आप चाहें तो पहली बार में भी इसको खा सकते हैं जिसमें ज़्यादा क्रिस्प नहीं होता है क्योंकि हमने इसमें मैदा ऐड किया है, और अगर आपको क्रिस्पी चाहिए तो आप दूसरी बार फिर से इसको तेल में डाल सकते हैं। बस ये रेसिपी मेरी रेडी है, आप इसे प्याज और लेमन के साथ सर्व कर सकते हैं। आप चाहें तो धनिया और लहसुन की चटनी भी रख सकते हैं इसके साथ में, काफ़ी टेस्टी बना था। आप चाहें तो, जैसे रमज़ान करीब में है तो हम इसे अफ्तार के लिए भी बना सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये गल चुका है, बहुत अच्छा टेस्ट था। बस इतना ही था इस रेसिपी के बारे में। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।
बाय।